इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। अब की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर वन हो अपना, बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान, काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और 14 अक्टूबर को बहरोड में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली करने की घोषणा की। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य है पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार और बहरोड विधायक द्वारा किए गए सभी कामों और घोटालों का प्रमाण सहित उजागर करना। मैं 14 अक्टूबर को, तब तक सब काम निपट लेंगे, हर पार्टी के टिकट वगैरह सब डिसाइड हो जाएंगे, 14 अक्टूबर को स्टेडियम भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि आचार संहिता लगेगी, तो उसके बाद स्टेडियम लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 14 अक्टूबर को बहरोड की सबसे बड़ी विशाल रैली करने जा रहा हूँ, इनके 11 बजे स्टेडियम के अंदर। तो रैली का पर्पज क्या है कि अभी मैं 2-3 दिन से आप लोगों का सबका वो देख रहा हूँ कि कहीं फूल बरस रहे हैं, कहीं कुछ बरस रहा है। अगर बहरोड में बहरोड की जनता जागृत नहीं हुई, फैसला तो जनता ले रहा है, और बहरोड की अगर जनता जागृत नहीं हुई तो मैं सोचूंगा कि हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मेरा मन है 5 साल के अंदर माननीय विधायक जी के कार्यकाल में, राजस्थान सरकार के कार्यकाल में, हमारे बहरोड में जो भी घटना घटी है, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे कोई पुलिस की अराजकता का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो कि कब सड़क का पैसा मंजूर किया, कितना पैसा लगा, कितना डांबर लगाया, कितना डांबर खाया गया, चाहे वो पेड शिफ्टिंग का मामला हो कि कितने टोटल टेंडर छूटे, किसके नाम छूटे, कौन किसका नेता का रिश्तेदार था, किसने पैसे डकार लिए, कितने पेड़ उसमें है या नहीं है कि वो सूखे पेड़ थे वो भी खा गए। उसके बाद पानी की जो JGM की है, जो अपने यहाँ अभी छापा भी पड़ा था, इसके अंदर भी वो भी सब घोल मथोल सा ही हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ पाया। कहते ना वो खुद ही अपने उसी में इन्वॉल्व हो जाना, तो ये सब भी वो सब मैं निकलवा रहा हूँ। कितने भारत सरकार से पैसे आए इसमें, कितने राजस्थान सरकार ने पैसे, क्या क्वालिटी लगी, क्या क्वालिटी के टेंडर होने चाहिए थे, क्या इंटरनल इन्होंने क्या दबाया है, वो कौन सी कंपनी का दबाया है, जो बहुत बड़ा अपने आप में घोटाला है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के माचल, रिवाली, मिलकपुर सहित एक दर्जन गांव में पहुंचकर पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने भ्रष्टाचार हटाओ यूथ बचाओ कार्यक्रम का आगाज करते हुए लोगों से जनसंवाद भी किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बलवान सिंह यादव को साफा और फूलमाला पहनाकर और फलों से तोलकर स्वागत भी किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि वह विगत 30 वर्षों से पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। इन चुनाव में पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो बहरोड विधानसभा में भरपूर विकास कार्य होंगे। बलवान सिंह यादव के साथ सरपंच कमर सिंह यादव, राम सिंह यादव, अरुण शर्मा, रमेश यादव सहित बहुत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। काम करता हूँ ईमानदारी से, तो मैंने कहीं वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से, और मैंने जब मैं प्रधान रहा तो 2 बार मुझे कलेक्टर ने सम्मानित किया, 1 बार मेरे को मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, और निर्मल भारत के तहत पूरे भारत में राष्ट्रपति जी ने आपके बेटे को दिल्ली में बुला के और राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया, निर्मल भारत में पूरे भारत में फर्स्ट आया। तो अब की बार मोहित यादव को बनाए विकास का जरिया, सोच ईमानदार, काम दमदार, तभी तो है बहरोड का भविष्य और जन जन का विश्वास। युवा भाजपा नेता मोहित यादव।
इंदु अस्पताल नीमराणा, आईसीयू, एनआईसीयू, एसी वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। सतमा से अठमा से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख टीपीए, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने क्षेत्र के अनेक गांव में पहुंचकर 22 सितंबर को मुंडावर में होने वाली भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा की स्वागत सभा को सफल और मजबूत बनाने का आह्वान किया। ग्रामीण दौरे पर विधायक द्वारा करवाए गए अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान महेश गुप्ता, धर्मेंद्र चौधरी, ताराचंद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव बहरोड़ के गांव नांगलिया में आयोजित बाबा भौमिया महाराज के भंडारे में शामिल हुए। डॉक्टर यादव ने बाबा भौमिया की धोक लगाकर क्षेत्र में अमन शांति की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर जसवंत यादव के साथ रविकांत शर्मा, राम नरेश यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली, क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सतमासे और अठमासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।